कहाँ गया भाई, मिल नहीं रहा। खैर छोड़िए, नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और आप देख रहे हैं फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न। श्री अन्न यानी मिलेट, जिसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं। और ये मोटा अनाज सिर्फ हमारे सेहत के लिए नहीं बल्कि हमारे किसानों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है। एक ऐसे समय पे, ऐसी जगहों पे जहाँ वाटर टेबल बहुत लो है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी यील्ड के साथ उगाया जा सकता है। और मज़े की बात यह है कि इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। जब पहाड़ों की ढलानों पे जहाँ चावल नहीं उग सकता, वहाँ पर मिलेट उग जाता है। पानी कम चाहिए होता है, अरे भाई, पर हमें बनाने से पहले भिगाने की जरूरत होती है ना। आपको नहीं, मैं पका रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? Just joking. Even I am not soaking. प्रोग्राम से पहले नहा धो रहा था, to look sharp and smart. इन्हें ढूंढ रहे थे हम, इनका नाम है मिलेट राजा, और मिलेट की तरह कहीं ना कहीं ये भी बीच में गायब हो गए थे, राइट? मिलेट्स का कॉन्वर्सेशन बड़े टाइम से हमारे कॉन्शियसनेस से गायब हो चुका था इनकी तरह। अब ये वापस आ गए हैं, कॉन्वर्सेशन भी वापस आ गया है, और ये कॉन्वर्सेशन भी चलता रहेगा और ये कॉन्वर्सेशन भी चलता रहेगा, दैट्स अ प्रॉमिस। अगर आप सच सवर लिए हो तो हम भाई साहब खाना बना ले, हैं? ओके ओके, गुड, चलिए शुरू करते हैं अपना। देखिए, इस रेसिपी के तीन हिस्से हैं। हर रेसिपी के हमारे तीन ही हिस्से होते हैं वैसे तो। सबसे पहला हिस्सा है मसाला, उसके बाद का हिस्सा है पेस्ट, और तीसरा हिस्सा है तड़का, ठीक है? और साथ में एक बोनस रेसिपी हम हमेशा देते हैं, इसलिए हम बोनस रेसिपी आज भी देंगे। फिलहाल मसाले से शुरू करते हैं। अच्छा, ये तो हमने आपको बताया नहीं हम क्या बना रहे हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं टैमरिंड राइस। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो राइस है, जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं साहब, क्योंकि श्री अन्न इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और ऐसा कि आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है? मसाला बनाते हैं, पूरी चीज़ अभी बता दी तो फिर आप लोग बोलेंगे तो रेसिपी आ गई हमको। मसाले के लिए सबसे पहले डाला तेल। यहाँ पर मैं तिल का तेल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको तिल का तेल बहुत स्ट्रांग लगता है तो आप रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तिल के तेल से एक कैरेक्टर, एक स्ट्रेंथ आती है। सबसे पहले इस तेल में डाली चना दाल। चना दाल के साथ में डाली उड़द। इसके बाद डाला धनिया, अच्छी क्वालिटी का धनिया, धनिया जो है वो जान है रेसिपी की। उसके बाद डाले तिल, उसके बाद डाली सूखी लाल मिर्च, और ये जो है ये देखिए ध्यान से, सौंफ और काली मिर्च। के अंदर डाली थोड़ी सी हल्दी, ये ऑप्शनल है, हम डाल लेते हैं साहब, थोड़ा रंग बेटर हो जाता है मसाले का, और थोड़ी लाल मिर्च। पार्ट वन डन। ये रहा आपका मसाला, है ना? सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। यहाँ पर जो मिलेट हम यूज़ कर रहे हैं उनसे मिलिए, ये हैं समा चावल, जो अक्सर आप व्रत में खाते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये मिलेट है, है? और मज़े की बात यह है कि आपके घर में बनने वाले चावल से जल्दी बन जाते हैं साहब, दे कुक फास्टर देन राइस, राइट? एनीवे, तड़के की तरफ बढ़ते हैं। ये गई जी आपकी लाल मिर्च साबुत, फिर गई हींग तेल में, फिर गया मेथी दाना। जैसे मेथी दाना ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, बाकी का प्रोग्राम उसके बाद होगा। ये देखिए मेथी दाना ब्राउन हुआ, अब गई चना दाल, हेलो जी, अब गई उड़द दाल, मस्टर्ड सीड्स। जैसे ही मस्टर्ड सीड्स फ्लटर करेंगे वैसे ही तिल, जैसे ही तिल चटकना शुरू हुआ, खूब सारा बगैर कंजूसी किए डालना है कड़ी पत्ता साहब, फैंटास्टिक। इंतजार क्या करना है, इंतजार ये करना है जब दाल के भुनने की खुशबू आ जाए बराबर, हैं? जब दाल भुन जाए अपना मामला जो है वो रेडी।
ब्यूटीफुल। ये है साहब इमली का पल्प, टैमरिंड पल्प। ये है थोड़ा और टैमरिंड पल्प। यहाँ पे मैंने काली इमली और लाल इमली मिक्स करी है। आप चाहें तो सिर्फ लाल इमली यूज कर सकते हैं। लाल इमली का कलर अच्छा होता है और उसमें एक नेचुरल मिठास होती है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको पकने देंगे, ठीक है। ये पानी डाल के पकाना बहुत जरूरी है। ये जो है आपका केचप है, एक बार बना लिया एक महीने खराब नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर जल्दी नहीं करनी। सॉल्ट, ब्यूटिफुल, और साथ में गुड़। केचप में एक वो खट्टा मीठापना होता है ना साहब, वो भी डालना है। ये टोस्टेड पीनट है इसलिए इसको मैं बाद में डाल रहा हूँ। अगर ये कच्चा पीनट होता तो मैं इसको तड़के में डालता, पहले डालता, ठीक है ना। ये लो जी, ये गया पीनट। एक हम लोग अंग्रेजी में टर्म यूज़ करते हैं एरिड एंड सेमी एरिड लैंड्स, यानी कि जो हार्श रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, पानी कम है, वहाँ का क्रॉप है मिलेट। और इस वजह से किसानों को अननेसेसरी लोन्स नहीं लेने पड़ते। इस वजह से किसान वो उगा सकते हैं जो उनकी ज़मीन पे उगता है और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में, अपने खाने में, अपनी प्लेट में मिलेट को इंक्लूड करें। किसानों के लिए अच्छा है, इकोसिस्टम के लिए अच्छा है। और ये रहा हमारा वो मसाला। ये मसाला पिसने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने थोड़ा हल्दी डाल दी तो येलो में आ गया, वरना थोड़ा सा ब्राउन में ही रहता है। अब इन मसालों में ऑलरेडी दालें हैं, इस वजह से जैसे ही आप ये मसाला डालेंगे वैसे इमिजिएटली इमली और गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए पहले इमली और गुड़ को पका लें और ये मसाला बाद में डालें, ठीक है जी। ये देखिए हो गया ना गाढ़ा। आह क्या खुशबू है साहब, वाह। थोड़ा नमक, वाह भाई वाह। एक बोल में निकालता हूं तो आपको आइडिया लग जाए कितना गाढ़ा है। ये लीजिए, ये आप देख रहे हैं इतना गाढ़ा होना चाहिए, कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चाहे आप चावल से बना रहे हैं या मिलेट से बना रहे हैं, इट हैज टू बी केचपी सो इट कोट्स। अब यहां पर जो है बेसिकली आप चावल लेंगे, बचे हुए चावल, कुक्ड राइस जो बच जाता है वो लेंगे, उसके अंदर ये पुड़ी कांचल या ये टैमरिंड केचप मिक्स करेंगे और आपका पुड़ी उधर तैयार है। यहाँ पर हम उसमें देंगे एक थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा कच्चा आम फॉर दैट एक्स्ट्रा टेंगीनेस एंड फ्रेशनेस। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा चॉप जिंजर, चॉप मिर्ची, एक फ्रेशनेस देने के लिए। उसके साथ में हम बनाएंगे एक तड़का दही, जो कि एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तड़का दही का तड़का बना लेते हैं। ये लीजिए, तड़के के लिए थोड़ी लाल मिर्च, जीरा या राई में से आप चूज कर लिए कोई भी एक चीज। इंडक्शन करते हैं बंद, इसमें डालते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च फॉर रंग। और ये तैयार हो गया अपना तड़का दही। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ये है साहब समा चावल, वो चावल जो आप हर व्रत में खाते हैं बगैर ये जाने हुए कि ये मिलेट। इसको हमने सोक कर लिया और सोक करने के बाद आप चाहें तो उसको स्टीम कर सकते हैं या सिंपल एक बॉयल दे दीजिए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि चावल या समा चावल, अगर आप टैमरिंड राइस बना रहे हैं तो पहले का बना होना चाहिए, राइट। अगर वो ठंडा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। और अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। हरी मिर्च, साथ में ये ग्रेट किया हुआ, ये देखिए ये ग्रेट किया हुआ कच्चा आम, चॉप धनिया,
चॉप अदरक। अब ये जो कुछ भी मैंने डाला है, ये जो कुछ भी मैंने डाला है, ये ऑप्शनल है। हाँ, ये लीजिए, ये गया पूड़ी कांचल, यानी कि हमारा टैमरिंड केचप, क्या खुशबू है साहब। और ये गया हमारे सम्मा के चावल, ब्यूटीफुल। इसके ऊपर थोड़ा सा और जो मसाला बनाया है वो, थोड़ा तिल का तेल ऑप्शनल है, आप चाहे रेगुलर ऑयल भी डाल सकते हैं, बट हल्की सी शाइन चाहिए। इमली की सबसे बड़ी खूबी है कि वो मच्योर होता है, और मिलेट की सबसे बड़ी खूबी भी है कि वो मच्योर होता है। हाँ, मिलेट के साथ बनाई हुई चीज हमेशा थोड़े समय बाद और ज्यादा अच्छा टेस्ट करती है, तो इसलिए तुरंत ना खाएं, थोड़ा पेशेंस रखें और एक डेढ़ घंटे बाद खाएं, और हमारी बात का तब आपको यकीन होगा। हरी मिर्च का जो चटका है साहब, वाह, थोड़ा सा मसाला और, एंड डन। बढ़िया सी प्लेटिंग करते हैं इसकी, बढ़िया सी प्लेटिंग है। प्लेट लेके आता हूं, ये लीजिए। अच्छा, बेस्ट पार्ट पता है क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि जो बेसिक तासीर है किसी भी मिलेट की, वो होती है सोक करने की। मिलेट इज लाइक अ स्पॉन्ज, आप कोई भी फ्लेवर देते हैं ना, उस फ्लेवर को आप पानी के जरिए मिलेट के अंदर तक पहुंचा सकते हैं। अगर मेरे को नई कहावत बनानी होती, मैं कहता बी लाइक मिलेट, सोक एवरीथिंग दैट कम्स योर वे। ये रहा हमारा टैमरिंड राइस, ये हमारा तड़का दही, ये हमारी गार्निश, और मेरा प्रिय मित्र धनिया, इसके बगैर हम कहीं नहीं जाते। ये लीजिए साहब, इनके बगैर कहां जाएंगे हम। वो अंग्रेजी में एक कहावत है, दैट क्लासिक्स नेवर गो आउट ऑफ फैशन। दो पुरानी चीजें, एक मिलेट जो हमारा है बहुत पुराना है, और दूसरा टैमरिंड राइस जो हमारा है बहुत पुराना है। इस तरह की प्लेटिंग के बाद आउट ऑफ फैशन तो नहीं जा सकता। नहीं, मुझे पता है, डिश रेडी हो गई है, वो तो मैं खुशबू से ही समझ गया था। आ गए आप, हमें लगा फिर गायब हो गए। देखिए, ये तो आते जाते रहेंगे, आप आते जाते मत रहिए, रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा, उसके लिए रिकैप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप भी आए गए होंगे ना, तो कुछ ना कुछ छूट गया होगा। समा चावल रॉ मैंगो एंड टैमरिंड राइस विद तड़का दही बनाने के लिए सबसे पहले उसका मसाला बना ले। अब मसाला बनाने के लिए पैन में तिल का तेल, चना और उड़द दाल, 4 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच तिल, 5 से 6 सूखी लाल मिर्च, सौंफ, काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च डाल के अच्छे से भून ले और प्लेट में सभी मसालों को निकाल कर पीस ले। टैमरिंड पेस्ट बनाने के लिए पैन में तेल, 2 से 4 सूखी लाल मिर्च, हींग और मेथी दाना डालकर भूने, फिर चना दाल, उड़द दाल, सरसों के बीज, तिल और कड़ी पत्ता, काली और लाल इमली का पल्प, 1 कप पानी, नमक, गुड़, सिकी हुई मूंगफली डालकर अच्छे से पकाएं। पकने के बाद इसमें पिसे हुए मसाले, 1/2 चम्मच नमक डाल के एक बाउल में निकाल लें। तड़का दही बनाने के लिए पैन में तेल, जीरा, राई, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता डाल के भूनें और दही में मिलाएं। टैमरिंड राइस के लिए एक बाउल में हरी मिर्च, घिसा हुआ कच्चा आम, कटा हुआ धनिया और अदरक, बना हुआ टैमरिंड पेस्ट, सोक्ड समा चावल, पिसे मसाले और तिल का तेल डालकर मिला लें।
प्लेटिंग के लिए एक छोटे बाउल में टैमरिंड राइस डाल के प्लेट में डालें। तड़का दही, कुछ सूखी लाल मिर्च और धनिये के साथ गार्निश करके इसे गर्मा गर्म परोसें। देखिए, ये तो सबको पता है कि मिलेट्स खाने से हमारा दिमाग तेज होता है, लेकिन मिलेट्स बनाते वक्त अगर थोड़ा ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान की बात सुन लेते हैं। ज्ञान की बात में आज बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह हमको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे बॉडी फंक्शंस को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम 100 से ज़्यादा बॉडी फंक्शंस को इम्पैक्ट करता है, सोडियम 70 से ज़्यादा बॉडी फंक्शंस को इम्पैक्ट करता है, कैल्शियम 80 से ज़्यादा बॉडी फंक्शंस को इम्पैक्ट करता है, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जिन खानों में बहुत ज़्यादा होते हैं उनको सुपर फूड्स कहा जाता है। और गेस करिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किन खानों में ज़्यादा होते हैं? मिलेट्स में। मिलेट्स आर द ट्रू सुपर फूड बिकॉज हर एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, हर बॉडीली फंक्शन के लिए जो चाहिए वो मिलेट में है। नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेट का पैकेट उठाएं, पीछे पढ़ के देखें और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पॉसिबल हैं आपको उसके पीछे मिलेंगे, दैट्स माय गारंटी। फ्लेवर्स ऑफ श्रीयन में दिस इज टाइम फॉर अ ब्रेक। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू फ्लेवर्स ऑफ श्रीयन। मैं हूं शेफ रणवीर ब्रार और आप देख रहे हैं मजे की मिलेट रेसिपीज। देखिए, अगर रेसिपी 1 यानी कि हमारी टैमरिंड मिलेट की रेसिपी आपको बहुत कंफर्टिंग लगी, तो ये जो रेसिपी 2 है ना, आपको लगने वाली एकदम चटकारेदार। हां जी, हम बना रहे हैं फलाफल, एक इंटरनेशनल रेसिपी एकदम सुपर स्पाइसी चटकारे के साथ। सबसे पहले बनाते हैं फलाफल का मिक्सचर। फलाफल के मिक्सचर के लिए ये है धुली मूंग, ठीक है, जिसको हमने सिर्फ गर्म पानी में सोख किया है। ये है हरी मूंग, इसको भी हमने गर्म पानी में सोख किया है। इसके बाद ये है थोड़ा धनिया। इसके बाद इसमें गई ये देखिए, ये हरी मिर्च। हमारी सेकंड रेसिपी जो है ना, वो झटपट रेसिपी होती है, कुछ मिस मत कीजिएगा, वैसे मिस करेंगे तो बाद में रीकैप आ जाएगा। इसके बाद ये गया गार्लिक, ठीक है। इसके बाद ये गया चॉप किया हुआ प्याज। प्याज ऑप्शनल है, आप नहीं डालते मत डालिए, गार्लिक भी ऑप्शनल है, अदरक डाल लीजिए। उसके बाद ये गई काली मिर्च, ये गया लेमन जूस, तिल, और अब इनसे मिलिए ये है कोडो मिलेट। कोडो मिलेट जो है ना, वो सबसे अंडररेटेड मिलेट। और आज जब हम बात किसानों की कर रहे हैं तो ये बताना जरूरी है कि सबसे ज्यादा हार्श क्लाइमेट में अगर कोई मिलेट ग्रो कर सकता है तो वो है कोडो मिलेट। इस मिलेट का जो साइकिल है वो थोड़ा लंबा होता है, लगभग 90 से 110 दिन लेता है, लेकिन लीस्ट वाटर एंड द बेस्ट पार्ट इज लीस्ट पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। और ये वही कोडो मिलेट है जिसको हमने वापस से सोक किया हुआ है, सोक करके बॉयल कर लिया, ठीक है। धनिया की कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी जो मोनोपोली है वो धनिया है। और साथ में गया ये जीरा, ये लीजिए, सॉल्ट। आम तौर पे फलाफल के अंदर कुछ लोग दलिया यूज करते हैं थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, बाकी जो है वो चने की टिक्की होती है। यहां पर हम दलिया नहीं यूज कर रहे हैं, प्राइमरीली मूंग दाल यूज कर रहे हैं जो कि हमारी अपनी है, और साथ में मिलेट्स यूज कर रहे हैं जो श्रीयन हमारे अपने हैं। राइट, ये लीजिए, इसको कर लिया मिक्स। इसको डालना है मिक्सी में, मिक्सी में इसको पीसना है, और पीसने के बाद जब ये दरदरा सा हो जाए तब इसको लेके आना है वापस। तब तक हम बनाते हैं इसकी एक मजे की डिप। ये देखिए, एक तरफ हमारा तेल गर्म हो गया, दूसरी तरफ हमारा मिक्सचर जो है पिस के रेडी हो गया। इसको ध्यान से देखिए,
ये जो टेक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम पेस्ट नहीं बना है, दरदरा दरदरा है, देख रहे हैं आप, ये नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। हाँ, तेल जो है वो गर्म हो गया है, जब तक तेल एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पे आता है, इसकी एक डिप आपको दिखा देते हैं। अब बात करते हैं कि मैं दही का इस्तेमाल इतना क्यों कर रहा हूँ। कारण ये है कि मिलेट जो है उनका एक नेचुरल बिटरनेस और रूखापन होता है, जिसको काउंटर बैलेंस सिर्फ दही की खटास और रिचनेस कर सकती है, राइट। ये है दही, आप चाहे तो टंगा हुआ दही ले सकते हैं, नहीं तो रेगुलर दही ले लीजिए। उसके अंदर हमने डाला है ये कोकोनट, जो टेंडर कोकोनट होता है ना, मतलब जो हरा वाला नारियल होता है, उसकी मलाई को हमने कर दिया चॉप और वो इसके अंदर कर दिया मिक्स। इसके अंदर डाला थोड़ा टोस्टेड तिल, फिर इसके अंदर डालेंगे थोड़ा नमक, फिर इसके अंदर डालेंगे थोड़ा अचार और ये जो है आपकी डिप रेडी। अभी फलाफल में समझना बहुत जरूरी है कि जब आप फलाफल बनाएं तो उसको एक बार अच्छे से दबा लें, राइट, एयर गैप ना रह जाए उसके अंदर, फिर आप उसको फ्लैट कर सकते हैं। हाँ, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट लीव एनी एयर गैप। ये लीजिए, लगभग एक साइज के गोले बना लीजिए। धीरे धीरे जो है वो तिल के तलने की खुशबू आ रही है, दाल के भुनने का जायका आ रहा है। वेरी नाइस, बस वन मोर मिनट। अच्छा क्या है ना, अगर आप चाहें तो इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ओवन में भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको एयर फ्राई कर रहे हैं या ओवन में डाल रहे हैं तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दाल और मिलेट दोनों रूखे होते हैं, उनको थोड़ी रिचनेस तो चाहिए होती है साहब, वरना जो है इतना ड्राई बन जाएगा कि आपका मुंह छिल जाएगा, राइट। प्लेट लेके आते हैं। ओके जी, क्योंकि हमने ऑलरेडी फलाफल मीट्स वड़ा कर दिया है तो केले का पत्ता यूज करते हैं। ये रही हमारी अचारी डिप, जिसमें के बीच में बढ़िया चंकी नारियल के पीसेस है, ठीक है ना। इसके ऊपर डाला थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा चॉप धनिया, और ये गए हमारे फलाफल। जैसा हमें पता है कोई भी कहानी हमारे प्रिय मित्र धनिया के बगैर कंप्लीट तो होती नहीं है। एनर्जी आ जाती है ना डिश में, देखिए आ गई एनर्जी। देखिए, एक तो हिंदुस्तान की प्लेट है, दूसरा श्री अन्न की प्लेट है, तो सेलिब्रेशन तो होना चाहिए ना प्लेट पे, है। और ये सेलिब्रेशन जो है किसान भी करता है जब वो मिलेट उगाता है, पता है क्यों? क्योंकि वो मिलेट का जो चारा होता है ना, वो उसके जानवर के लिए बहुत 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 पौष्टिक होता है कंपेयर्ड टू एनी अदर स्ट्रॉ। यानी कि कुल मिला के मिलेट से किसानों की सरदर्दी कम होती है और आपका सरदर्द।
सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। सही वक्त पे आते हैं, एकदम सही बोलने, लेकिन बोलते काम की चीज है। वो क्या ना, याद रखिएगा, कोडो मिलेट जो है ना वो ऐसा है, ऐसा नहीं है। फिलहाल हमारी नोकझोंक के बीच रिकैप मिस मत करिएगा, रिकैप देख लीजिए। कोदो मिलेट एंड मूंग फलाफल विद कोकोनट पिकल्ड दही बनाने के लिए एक बाउल में भीगी हुई धुली और हरी मूंग, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, कटा हुआ प्याज, काली मिर्च, नींबू का रस, तिल, भीगे और उबले हुए कोदो मिलेट, धनिया, जीरा और नमक डाल के इन सब को दरदरा पीस लें। अब पैन में तेल गरम करें और बने हुए फलाफल के मिक्सचर को टिक्की का आकार देकर अच्छे से पका लें। अब डिप बनाने के लिए दही में नारियल की मलाई, रोस्टेड तिल, नमक और अचार को डालकर अच्छे से मिला लें। प्लेटिंग के लिए केले के पत्ते पर कोदो एंड मूंग फलाफल को कोकोनट पिकल्ड दही के साथ गर्मा गर्म परोसें। देखिए अब वो वक्त आ गया जब मैं रणवीर ब्रार आपसे इजाजत लूंगा और ये कहूंगा कि फ्लेवर्स ऑफ श्रीअन्न देखते रहिए, बिकॉज सिर्फ किसानी नहीं बल्कि हमारी पूरी संस्कृति पे मिलेट्स की छाप, और उस छाप को हम डिस्कवर करते रहेंगे जब तक कि आपके मानस पटल पर वो छाप छप ना जाए और आपकी प्लेट पे मिलेट आ ना जाए। फॉर नाउ गुड नाइट। मैं प्राइमरी कैमरा ये रखता हूँ ना फिर अपना, बिकॉज वो बहुत उसमें। चलो जी, कितने मुंडा चम्मच एक जो धुल के वापस भी रखवा दिया करो, फटाफट से वो भी ले लो, ज्ञानवर्धन का भी। हाँ जी, तेल तत्ता कितना, वेरी गुड, कोडो वाला। हाँ वो, हाँ चलो फिर से लेते हैं वो क्यू वाला। ये कुर्सी इसके शॉट में है क्या, तो कैसे करेंगे फिर?